अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आज बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपको लोगों को न्यूज़ देने के लिए मैंने ये जो वीडियो बनाया है, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया हूँ। तो मैं सोचा कि ये चीज़ मुझे पता है, आप लोगों को भी बता दूँ, हो सकता है आप लोगों को भी पता हो। तो जो भी बंदा जो इंडिया जाना चाहता है, सऊदी अरब में 1 साल 1.5 साल 2 साल से पड़ा हुआ, उसके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो अभी 2 वैक्सीन लगा के जा सकता है और वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। जैसे आप 1-2 महीने की छुट्टी जाते हो, वहाँ से वापस आपको आना है तो आपको कहीं भी क्वारंटाइन होने की कोई भी तरीके कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। तो फ़्लाइट वगैरह इंडिया की खुल गई है, किसी सारी फ़्लाइटें खुल गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जो बंदा इंडिया के अंदर है और 2 वैक्सीन लगा चुका है इंडिया के अंदर, ठीक है, जो यहाँ से गया है और वहाँ फंस गया था, तो 2 वैक्सीन लगा के अगर उसके री एंट्री वीज़ा यानी उसके वीज़ा में अभी भी अगर टाइम है और 2 वैक्सीन लगा है, तो उसको मालदीव वगैरह कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है इंडिया से। तो ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो जिन बंदों को जिसको भी जाना है वो अभी जा सकता है अपने घर, जो यहाँ 1 साल 1.5 साल 2 साल से पड़ा हुआ है, घर जाना चाहता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि वो अपना घर जा सकता है और वहाँ से 1-2 महीने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर आ भी सकता है। किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी सारी फ्लाइटें ओपन हो गई है। उसके अलावा जो बंदा यहाँ से गया है 1 वैक्सीन लगा के, वहाँ से 2री वैक्सीन लगा के, वो डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। तो कुल मिला के भाई इंडिया की फ़्लाइट खुल गई है, जिस बंदे को सऊदी आना है वो आराम से आ सकता है इंडिया से 2 वैक्सीन लगा के, और जो बंदा यहाँ से जाना चाहता है वो आराम से यहाँ से इंडिया जा सकता है छुट्टी पे और वापस भी आ सकता है, उसको कहीं पे भी किसी भी कंट्री में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अल्लाह हाफिज़।